प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी फीवर हो जाता है तो कोई बुखार की दवाई नहीं देनी चाहिए, खाली गिलोय का रस पिलाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान फीवर हो जाए या डायबिटीज कई बार बढ़ जाती है तो उससे फिर नहीं तो फिर बच्चे को खतरा हो जाता है, तो उसको भी लोग ये देना चाहिए गिलोय, उसका रस निकाल के देना चाहिए बिना उबाले, तो फिर वो गर्म नहीं पड़ता है। और सूजन आ जाए तो फिर अपना पुनर्नवा, और ये सर्वकल्प क्वाथ पुनर्नवा ये शोथ के लिए सबसे अच्छी चीज है प्रेगनेंसी में आ जाए तो। और प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाए तो लौकी का जूस और मुक्तावटी एक एक दे सकते हैं। मैंने सैकड़ों मां बहन बेटियों पर इसका प्रयोग किया है मुक्तावटी, उससे मां और बच्चे की धड़कन पर कोई असर नहीं आता, नहीं तो ब्लड प्रेशर की दवाई लो तो बच्चे के लिए खतरा हो जाता है। लौकी का जूस शुगर के ब्लड प्रेशर के लिए, यही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। थायराइड की प्रॉब्लम होती है गर्भवती महिलाओं को, तो उनको कपाल भाती तो कर नहीं सकती वो, तो वो उज्जाई करें और ये गले वाला ये आसन करें, बस ये दो चीजें, और तीसरा ये ऐसे ये दबाए, और चौथा ये करें। तो ये चार चीजें करें तो थायराइड 100% कंट्रोल आ जाता है, थायराइड की भी दवाई की जरूरत नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान जो दवाइयां लेते हैं ना, ये माताओं बहनों के लिए बड़ी डेंजरस होती है, तो उसके लिए भी ये बात बता दी आपको।